आपके स्क्रीन पर दिख रही ये महिला है शिवानी। शिवानी का रो रो के बुरा हाल था। हाल ही में शिवानी ने अपने पति को खो दिया था, जिसके बाद से ही वो परेशान थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवानी जिस तरह से रो गा रही थी, बिलख रही थी, दरअसल वो अच्छी एक्टिंग कर रही थी। असल में तो वो अपने पति के जाने की खुशियां मना रही थी, लेकिन पुलिस के सामने वो खुद को बेचारी साबित कर रही थी। आपको बता दें कि पिता की मौत के बाद प्रेम नारायण सिंह को ITC में नौकरी मिली थी, जिसके कारण उसकी पत्नी का घर में हमेशा घरेलू विवाद होता था, जिससे वो परेशान थी। प्रेम नारायण का ITC कर्मी गौरव कुमार से दोस्ती थी, जो उसके घर पर आया जाया करता था। इसी दौरान शिवानी और गौरव के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। गिरफ्तार शिवानी और गौरव ने बताया कि फरवरी साल 2023 से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। इसी दौरान शिवानी ने गौरव के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि अगर तुम प्रेम नारायण को रास्ते से हटा दो तो शिवानी की नौकरी भी ITC में हो जाएगी। इसके साथ ही शिवानी गौरव से शादी कर लेगी। इसके बाद गौरव शिवानी की बातों में आ जाता है और गौरव ने प्रेम नारायण की हत्या करने के लिए स्थानीय दो अपराधियों से संपर्क किया, जिसने बेगूसराय जिले के इंद्रजीत कुमार, अभिषेक कुमार और मोहम्मद इरशाद से गौरव को मिलवाया था, जिसको 7.5 लाख रुपए देकर प्रेम नारायण की हत्या की सुपारी दी गई। ये मारने का कारण जो है प्रेम प्रसंग का है। ये गौरव कुमार उनका जो मृतक की पत्नी से प्रेम करता था और ये दोनों मिलके पति को तो मार देंगे, तो एक बार में शादी कर लेंगे, इसी के ये लोग प्लान बना रहे थे। और बीच का और दो आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, जो ये इनका सहयोग किया है अपराध करने में। और जो अपराध करने के जो गौरव है, उसके किराए के मकान से 2 देसी कट्टा मिला है, 2 खोखा मिला है और जिंदा कारतूस 4 मिला है, मोबाइल 8 पीस जो भी अपराध करने में प्रयुक्त हुआ है, और एक मोटरसाइकिल जो अपराध करने में यूज़ हुआ है, और 11,000 रुपये नगद, ये सब रिकॉर्ड हुआ। सर, गोली किसने चलाया? गोली इंद्रजीत कुमार जो था वो चला है, जो बेगूसराय का आदमी। सर, कितने दिनों से रेकी हो रहा था सर इसी हत्या को लेकर के? सर तो ये एक दिन पहले ये लोग रेकी किया था, 6 तारीख का घटना है, 5 तारीख को रेकी किया। आपको बता दें कि 5 अगस्त को भी अपराधियों ने प्रेम नारायण की हत्या का प्रयास किया था, जबकि 6 अगस्त को अपराधियों ने घर से लेकर पूरब सराय तक सभी अपराधी फैल गए। और जैसे ही प्रेम नारायण निकला और ब्रह्मस्थान चौक के समीप पहुंचा कि मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि अपराधी अभिषेक कुमार मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि पीछे बैठा इंद्रजीत कुमार ने गोली मारी थी। आपको बता दें कि शिवानी का प्रेमी गौरव मंगल बाजार माधोपुर में किराए के मकान में रहा करता था। हत्या के लिए पिस्तौल और कारतूस की भी जुगाड़ उसी ने की थी। हत्या से पहले उसी किराए के मकान में अपराधियों ने पिस्तौल से गोली फायर कर पिस्तौल की टेस्टिंग भी की थी, जिसके गोली का निशान भी उस घर में मौजूद मिला। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी गौरव के मंगल बाजार स्थित घर पर गए और हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल और शेष बचे कारतूस को रखकर मोटरसाइकिल से मुंगेर पुल होकर बेगूसराय व दरभंगा चले गए। बताते चले कि हत्याकांड के सूत्रधार मृतक की पत्नी शिवानी कुमार, हत्या का सुपारी देने वाला उसका प्रेमी गौरव कुमार, राजीव उर्फ राजू, दीपक कुमार शामिल थे। हालांकि पुलिस ने फिलहाल कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें इंद्रजीत कुमार का भी नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।